एक विचार के तहत एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है संस्कारी बहू। महेश और माला अपने इकलौते लड़के वरुण, जो डीडीए में बड़ा अधिकारी है, उसके लिए लड़की देखने के लिए जगह जगह घूम रहे थे। लेकिन महेश को जैसी लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए थी वैसी लड़की नहीं मिल रही थी। अब तक 8 लड़कियां देख चुके हैं, कहीं परिवार अच्छा नहीं मिलता तो कहीं लड़की पसंद नहीं आती। अब तो रिश्तेदार भी महेश के बारे में बातें करने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं कि यह तो अच्छे दहेज के लालच में लड़कियों को फैल करता जा रहा है। लेकिन महेश को पैसे का लालच नहीं, बल्कि वह एक सुरक्षित और आदर्शवादी परिवार के साथ एक सुंदर और समझदार बहू चाहता था अपने बेटे वरुण के लिए। आज महेश, माला और वरुण आनंद के घर उनकी लड़की को देखने आए हैं। आनंद जी का परिवार बड़ा परिवार है। आनंद के परिवार में आनंद की पत्नी सावित्री, 2 बेटे, 2 बेटियां और आनंद के माता पिता हैं। आनंद के छोटे भाई, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे भी हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या की अपेक्षा घर काफी छोटा है, लेकिन सभी में प्यार बहुत है। सभी बहुत प्यार के साथ उस छोटे से घर में रह रहे होते हैं। महेश को यह परिवार अच्छा लगा, लेकिन माला और वरुण को घर छोटा और परिवार बड़ा होने के कारण अजीब सी घुटन हो रही थी। दोनों माँ बेटों ने इस लड़की को भी फैल करने का मन बना लिया था, क्योंकि जब ये लोग बैठे तो सभी लोग इनके आसपास आके बैठ गए। माला और वरुण काफी असहज महसूस कर रहे थे, वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद पानी भी आ गया, सभी ने पानी पिया, माला और वरुण तो जैसे जल्दी थी इस रिश्ते को मना करने की। माले ने कहा, हमें कहीं दूसरी जगह भी जाना है, आप जल्दी से लड़की को बुलाइए। जैसे माला को तो बस घर से निकलने की ही जल्दी हो रही थी। एकाएक महेश ने आनंद की पत्नी सावित्री को टोकते हुए पूछा, आपके साथ ससुर भी आपके साथ ही रहते हैं क्या? इस पर सावित्री ने जवाब दिया, क्या बात करते हैं भाई साहब, हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम इन लोगों को रख सके, हम लोग तो खुद इनके पास रह रहे हैं। सावित्री का जवाब सुनकर माला और वरुण दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सावित्री की बात पूरी भी न हुई थी कि आनंद के पिताजी बोले, अरे बेटा, हमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो हमें ऐसी बहुएं मिली। हमारी दोनों बहुएं ने हमें कभी बेटियों की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। सब लोग बातें कर रहे थे कि इतने में आनंद जी की लड़की रीता चाय लेकर आ जाती है। वरुण रीता की ओर देखता है। रीता का रंग ज्यादा साफ नहीं था, बल्कि गेहुआ था। सभी को चाय देकर रीता उन्हीं के पास बैठ जाती है। माला को रीता पसंद नहीं आई। वरुण का भी रीता को देखकर मन उदास ही था। अचानक महेश ने सवाल किया, पढ़ाई कहाँ तक की है बेटी? जी, बीए संस्कृत में ऑनर्स से किया है, रीता ने जवाब दिया। जीवन का सिद्धांत क्या होना चाहिए? महेश ने फिर दूसरा सवाल किया। रीता ने एक बार सर ऊपर किया और जवाब देकर सर नीचे कर लिया। रीता का जवाब था, विरासत में मिली धरोहर की रक्षा और बेहतर भविष्य की योजनाएं, यही जीवन के सिद्धांत होने चाहिए। महेश अपने सवालों के जवाब सुनकर बहुत खुश था, लेकिन माला और वरुण तो जैसे रीता को पसंद ही नहीं करते। लेकिन ना चाहते हुए भी वरुण ने भी रीता से एक प्रश्न पूछ ही लिया। वरुण ने पूछा, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या महत्व रखता है? रीता, जी, किसी भी रिश्ते को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पालन महत्वपूर्ण होता है। रीता का जवाब सुन वरुण खुश हो गया। पिता की ओर देखकर वरुण ने अपनी स्वीकृति दे दी। सभी लोग खुश थे, बस माला ही खुश नहीं दिखाई दे रही थी। माला महेश और वरुण को अलग लेकर गई और बोली, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्या देखा इस लड़की में जो रिश्ता पक्का कर दिया?
न लड़की सुंदर है, न यहाँ से दहेज मिलेगा, और छोटा सा घर, कितने सारे लोग इस घर में रहते हैं, कितना बड़े परिवार है इनका, नहीं मुझे रिश्ता पसंद नहीं है। माला की बात सुनकर महेश ने कहा, अरे पगली, इससे अच्छी और संस्कारी बहू नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं। रही बात परिवार की, तो ये परिवार बड़ा नहीं है बल्कि संयुक्त है। यहाँ सभी लोग संस्कारी हैं, सभी को एक दूसरे की फिक्र है। घर की बहू यह कहे, जिस घर की बहू यह कहे कि वह अपने बड़ों के साथ रहती है, उस परिवार का संस्कार तो देखो। वही परिवार संस्कारी होती है जो अपने बड़ों के संरक्षण में रहना कबूल करता है। यहाँ सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। रही बात दहेज की, तो अच्छी बहू और अच्छे रिश्तेदार दहेज से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं। घर में बेटे से ज़्यादा बहू संस्कारी और समझदार होनी चाहिए। और भाई, मुझे तो अपने बेटे के लिए भी तुम्हारे जैसी ही बहू चाहिए थी, महेश ने हंसते हुए कहा। तुम ना होती तो मैं जो हूं वो कभी ना होता। यह लड़की तुम्हारे जैसी ही है माला। माला भी अपनी स्वीकृति दे चुकी थी। खुशी खुशी रीता और वरुण का रिश्ता पक्का कर दिया गया। अब सभी लोग साथ बैठे और खुशियां मना रहे थे। कहानी कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्योंकि रिश्तों की मर्यादाएं जरूरी होती हैं और घर में संस्कारी बहू होना सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात।